हेलो एवरीवन सो अब शुरू होने जा रहा है हमारा फिजिक्स क्लास इलेवेंथ का लास्ट चैप्टर दैट इज़ वेव्स ओके एंड ये चैप्टर बहुतों को बहुत सिंपल लगता है बहुतों को बहुत डरावना लगता है हाउ बिकॉज एक तो इतना ज़्यादा लेंथी है ऊपर से इसके जितने भी पार्ट्स हैं राइट right? वो अलग अलग ऐसे फील होता है जैसे अलग अनरिलेटेड है एक दूसरे से एंड सब मिक्स हो जाता है कभी कभी एंड uh, mm, भूल जाते हैं सिंपल राइट एंड वो भूलते क्यों हैं क्योंकि बार बार रिवाइज नहीं करते या फिर शॉर्ट्स नोट नहीं बनाते शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते या फिर सो सो रीज़न ओके सो द पॉइंट इज़ कि इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट एज़ अ बिग चैप्टर ह्यूज चैप्टर वी मस्ट ट्राई टू मीन यू नो कट दीज डाउन इन फाइव डिफरेंट पार्ट्स जैसे पहला इंट्रोडक्शन हो गया दूसरे में स्पीड आ गई दैन तीसरे में आपका सुपर पोजिशन आ गया लाइक अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी ओके सुपर पोजिशन के बाद आपका ये ऑर्गन पाइप आ गया ठीक है देन उसके बाद आपका डॉपर इफेक्ट आ गया ओके एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लोग इंट्रोडक्शन करेंगे जो कि ऑलमोस्ट छोटा छोटा सा है एंड uh, हो जाएगा राइट right? एंड hmm. उसके बाद जो अगली वीडियो रहेगी उसमें डोपलर इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे मंथ मतलब फ्रॉम दी एंड टू वर्ड्स दी फर्स्ट लाइक दैट ओके सो अगर हम देखें तो वेव्स की क्लासिफिकेशन बहुत सारे तरीके से की जा सकती है जैसे कि बेस्ड ऑन मीडियम सो so, मकैनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम ओके okay. बेशक ये जो इंट्रोडक्शन है इतना आपको काम का नहीं लग रहा होगा बट नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन अगर आप थोड़ा सा और पढ़ लोगे है ना तो मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है राइट एंड वहीं ई एम वेव्स जो होते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट right? नहीं होती ओके मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है एंड ट्रांसफर्स भी हो सकती है वही ई एम वेव्स आपकी हमेशा ट्रांसवर्स ही रहेगी कमिंग नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन लाइक अगर आपकी वेव स्ट्रिंग जैसे एक एक ही वेव तरफ से जा रही है ठीक तो है तो वो वन डी स्ट्रिंग हो गया टू डी सॉरी वन डी जा रही है तो एग्जांपल हो गया स्ट्रिंग टू डी मतलब दो सरफेसेज इसमें काम आ रहे हैं ठीक है तो उसका एग्जांपल हो गया जैसे स्टिल सरफेस ऑफ वाटर उसमें जो रिपल फॉर्म हो रही है थ्री डी जैसे कि साउंड की वेव्स हैं और लाइट की वेव्स हैं सिंपल एज दैट थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स लॉन्गीट्यूडने इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन मतलब जिस तरफ को वेव बढ़ रही है उसी तरफ को पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन मतलब जिस तरफ को वेव बढ़ रही है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल मोशन कर रहे हैं ठीक है थीके? तो आपका ट्रांसवर्स में इतना पता ही है कि क्रेस्ट और ट्रफ़ का फॉर्मेशन होता है क्रेस्ट ऊपर की तरफ ट्रफ़ नीचे की तरफ दैन सो ऑन सो ऑन एंड लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन वॉट इज़ कंप्रेशन कंप्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्रेस हो जाता है जहाँ पे पार्टिकल्स नॉर्मल जितना डिस्टेंस होना चाहिए उनका उससे कम रहते हैं रेयर फैक्शन जहाँ पे पार्टिकल नॉर्मल डिस्टेंस से ज़्यादा दूर रहते हैं उसके बाद सेम टर्म सिंपल एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्टेंस लाइक सफर्ट बाई दार्टिकल राइट टाइम पीरियड जितना वो टाइम लेगा एक वेव जाने में राइट फ्रिक्वेंसी वन अपॉन टाइम पीरियड राइट और दूसरा ये भी होता है कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम दैर इज सेकेंड ठीक है वेव लेंथ जित जो लेंथ है जो एक सेकेंड में कवर कर रही है एक वेव वेव नंबर दैर इज़ वन अपॉन वेव लेंथ सिम्पल इज दैट फेस आपका पोजीशन होता है किसी एक पॉइंट पे जो वेव फॉर्म का उसको बोलते हैं फेस जिसको हम एंगल से डोनेट करते हैं पाथ डिफरेंस कितना पाथ ट्रेवल किया है दो वेव्स के बीच में लाइक दैट नेम से पता चल रहा है स्पीड ऑफ वेव सिंपल डिस्टेंस जितना स्पीड ने ट्रेवल किया एंड जितना टाइम लगाया ये बेसिक बेसिक चल रहा है ऐसा लग रहा है काइनोमेटिक्स पढ़ रहे हो ठीक है सो डिस्टेंस ट्रेवल किया लैमडा दैट इज़ वेव एंड टाइम पीरियड अपॉन में आ जाएगा सिंपल इज़ दैट एंड वेव स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं ऑल्सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट वन अपॉन टी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी इन टू लैमडा इज इक्वल्स टू आपका वी सिंपल देन वेव पल्स एक छोटे सा यू नो शॉर्ट वेव प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम विदाउट क्रिएटिंग एनी डिस्टर्बेंस वेव ट्रेन खूब सारी डिस्टर्बेंस कर दी एंड टिंग 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 करके ट्रेन आगे को जा रही है देन वेव फ्रंट आपका लाइन रहेगा या फिर सरफेस होगा जो कि सेम फेस में सभी पॉइंट्स को डिस्टर्ब कर रही होगी लाइक दैट ओके जो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में हमने वेव फ्रंट मैंशन किया है वहाँ पर और पढ़ाई है ठीक है देन उसके बाद से डिप्रेसिव मीडियम और नॉन डिप्रेसिव मीडियम क्या डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है देखिए जब आपकी साउंड की वेव ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे तो वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाती है पर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है ओके okay? फ्रीक्वेंसी सेम रहती है ओके सो हाउ कैन वी लर्न दिस सी अगर कोई इंसान है दो इंसान है मान लीजिए ठीक है एंड वो कोई अमीर है कोई गरीब है टाइप्स रिच पुअर वाला टाइम तो दोनों का सेम चल रहा है ना एंड वन अपॉन टाइम भी सेम ही चल रहा है हालांकि किस कोई तेज़ गति से जा रहा है बहुत जल्दी जल्दी पैसा बना रहा है कोई धीरे धीरे बना रहा है ठीक है और किसी की वेव को वी कैन से की कोई बहुत लंबी 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 लंबी, लंबी आ, छलांगे मार मार के पैसा कमा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ क्रैप कर रहे है भाई दूसरों को मिल नहीं पा रही है ठीक है सो दिस वाज ए वेरी पकाउ लाइक थिंग टू बी रिमेंबर्ड बट इससे याद रह जाएगा कि हाँ फ्रीक्वेंसी अनअल्टर्ड रहती है टाइम पीरियड टाइम नहीं चेंज होता ठीक है वही विलासिटी एंड वेव दोनों चेंज होती है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव ट्रेवल करती है तो ओके okay. और डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है डिस्पर्सिव मीडियम होता है जिसमें जो स्पीड है वेव की वो डिपेंड करती है वेव लेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे ओके okay? यस yes. और नॉन डिस्पर्सिव होता है जिसपे वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वेव की स्पीड पे ओके okay? और नॉन डिस्पर्सिव में ही आपका वेव और वो से को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे

जो है या स्पीड जो है वेव की वो आपकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करेगी वहीं नॉन डिस्पर्सिव में ना वो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी ना वो फ्रीक्वेंसी पे चौथा पॉइंट ये है कि डिस्पर्सिव मीडियम में जो आपकी स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी और डिपेंड किस पे करेगी टेम्परेचर पे करेगी ओके सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन जो एज़ पर एन है अब हम डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में सिंपल Till then, stay tuned.